दूसरा, कोर्ट ने बहुत मामले को बहुत गंभीर मानते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आई वुड लाइक मॉनिटर दिस केस, ये बहुत सेंसिटिव इशू है और गंभीर इशू है, इसकी गंभीरता को देखते हुए कोई भी एजेंसी जांच करे, लेकिन मैं इसको स्वयं मॉनिटर करूंगा। और लास्ट में उन्होंने कहा कि सबसे पहली इस बात ज़रूरत है जो लड़कियां रेस्क्यू की गई हैं उनके स्टेटमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएँ ताकि हम जान सकें कि पूरे मामला वास्तव में था क्या। और इसके बाद फिर कोर्ट ने 13 अगस्त के लिए फर्दर सुनवाई के लिए डेट फिक्स करते हुए ये चार सवाल पर स्टेट का जवाब मांगा है, उसके बाद फर्दर फिर उसके अनुरूप जो रिपोर्ट आएगी वो फर्दर कार्रवाई के लिए कोर्ट डायरेक्ट करेगी। कोर्ट ने निश्चित रूप से कहा कि जो अगर लाइसेंस रद्द होने के बाद भी गेस्ट शेल्टर होम का संचालन किया जा रहा था, तो कोर्ट ने शब्द इस्तेमाल किया कि इट मींस बिहाइंड बैक द सम पॉलिटिशियन एंड बीवीआईपीज, और स्टेट पर फिर कड़ी फटकार लगाई कि आपने डीएम को हटा दिया, उनको हटा दिया, लेकिन पुलिस वाले ले जाके लड़कियों को वहां देते थे और उन पुलिस पर्सनल के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई, कौन लोग थे जो अवैध शेल्टर होम में ले जाके लड़कियों को रखते थे, और इस तरह का जो पूरा एक नेक्सस है उसके बारे में कोर्ट ने कि हमको एक प्राइमरी इंक्वायरी, जबकि स्टेट की तरफ से बताया गया कि एडिशनल डीजीपी पुलिस महानिदेशक की ओर से जांच हो रही है, तो उन्होंने कहा कि सारी रिपोर्ट हमको मंडे को, और नंबर एक पर इस केस को लगाया गया है कि पहले नंबर पर प्राथमिकता के आधार पर इसकी गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने ये इच्छा व्यक्त की कि 11 बजे और सब जो जांच कर रहे हैं वो ऑफिसर भी यहां प्रेजेंट रहेंगे अपनी रिपोर्ट के साथ। हाँ, जो जांच अधिकारी हैं उनकी वो जो उन्होंने कहा कि जो टीम है उसकी जांच अधिकारी भी यहाँ उपस्थित रहेंगे सोमवार को। कोर्ट ने शुरू में ही कहा कि आई वुड लाइक मॉनिटर दिस केस, कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जब स्टेट की तरफ से यह कहा गया कि साहब हमने सीबीआई की जांच के लिए आदेश दे दिया है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी एजेंसी जांच करे लेकिन मॉनिटर हम ये कोर्ट करेगी, कोर्ट मच कंसर्न सच सेंसिटिव इशू।